आप सभी को शौर्य की धरती, वीरता की धरती बूंदी के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पशुपालन किसान क्रेडिट ऋण योजना के समारोह में आज हमारे बीच में पधारे केंद्र सरकार, भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री, मेरे मित्र जो 6 लोकसभा से लगातार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनका इस ऐतिहासिक नगरी बूंदी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के समारोह में बूंदी के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, केसाय पाटन की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता विधायक मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, शीतल राणा जी और बैंक के विशेष रूप से जिन्होंने लगातार प्रयास करके यहां पे काम किया, श्री संजीव डोवाल जी, कमलेश चौधरी जी, आरसी जागड़ जी, पुरुषोत्तम चंद्रपाल जी और इस जिले की लोकप्रिय जिला कलेक्टर सुश्री रेणु जयपाल जी। बूंदी जिले के पधारे मेरे किसान भाइयों, माता और बहनों, आज बूंदी के ऐतिहासिक स्थापना दिवस का दिन भी है और आज का दिन इस जिले के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, यहां की महिलाओं को जो बड़ी संख्या में आई है उनको आर्थिक रूप से संबल देने का दिन है। हमारी कोशिश है कि किस तरीके से ये बूंदी जो किसानों का जिला है, जहां पर मेहनतकश किसान, खेती और किसान, अन्नदाता अन्न पैदा करकर देश की सेवा कर रहे हैं और यहां का जवान सीमा पर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है, और इसीलिए हम किस तरीके से हमारे किसानों को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, मजबूत बनाएं, यह हमारा संकल्प है। और इसीलिए आज की जो योजना है वह पशुपालन किसान क्रेडिट योजना के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि इस बूंदी जिले को, जहां एक तरफ हम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी खेती, नई वैज्ञानिक खेती के माध्यम से जहां किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं आने वाले समय में पशुपालन के माध्यम से हम इस इलाके के अंदर एक श्वेत क्रांति, एक दूध की क्रांति लाकर दुनिया के नक्शे में बूंदी का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज ये योजना यहां से शुरू हुई है और इस योजना शुरू करने का हमारा एक ही लक्ष्य है
कि यहां के किसानों को के साथ साथ किसान की और आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसकी और आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए हम सब मिलकर अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो हर घर के अंदर पशुपालन का काम कर हर महीने 50,000 से 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाने का हम काम करेंगे। और इसीलिए ये संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र जहां पर्याप्त पानी है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है, आवागमन के साधन बढ़िया है, हर गांव के अंदर अभी भी पशुपालक हैं, लेकिन उन पशुपालकों को और ऋण दिलाकर, ये ऋण मुझे पता है कि कई बैंकों ने 1,60,000 रुपया दिया है, कई लोगों ने 80,000 रुपया दिया है, आप निश्चित मानिए हर पशुपालक को 1,60,000 रुपया मिलेगा। हमारा लक्ष्य जिस किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उनके अलावा जो किसान नौजवान खेतीहर मजदूर या जिनके पास जमीन नहीं है, वह भी अगर पशुपालन का काम करना चाहते हैं तो बिना जमीन के भी उस व्यक्ति को 1,60,000 का किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर वह डेयरी का काम भी बड़े स्तर पर करना चाहते हैं या छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो उनको डेयरी के लिए भी ऋण मिलेगा, ताकि वह पशुपालन के नए उद्योग को खड़ा कर सके। साथियों, ये बूंदी वह धरती है जिसका बासमती चावल की महक दुनिया के अंदर महक उसकी चमकती है। यहां के अन्नदाता ने किस तरीके से दुनिया के अंदर श्रेष्ठ क्वालिटी का चावल पैदा करने का काम किया, और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हम खेती के अंदर किस तरीके से हमारी आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं, देश के जितने भी बढ़िया खेती करने वाले लोग हैं, उन सबको बूंदी लाकर हम कोशिश करेंगे कि यहां के किसानों को भी कम जमीन के अंदर ज्यादा उत्पादन करकर किसान को ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। किसान भाइयों, हमें किसान की नई तकनीकें अपनानी पड़ेगी। हमारी जमीन छोटी होती जा रही है, और इस छोटी जमीन के अंदर हम किस तरीके से ज्यादा उत्पादन कर सके, इस लक्ष्य से हमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे याद है ये बूंदी जिला जिसके एक तरफ चले जाएं तो हिंडोली के अंदर मटर की मंडी है, और कोटा की साइड चल जाए तो भिंडी की मंडी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इस बूंदी को सभी सब्जी का राष्ट्रीय बाजार बनाने का हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरीके से यहां के किसान भिंडी मटर ये तो पैदा करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सब्जी देश और विश्व में सबसे ज्यादा महंगी है, उस सब्जी के अच्छे बीज लाकर और बेहतरीन सब्जी उगाने का काम करेंगे, ताकि हम हमारी सब्जी को देश के अलग हिस्सों में बेच सकें, और सब्जी के प्रोसेसिंग प्लांट को डालकर अच्छे बेहतरीन दुनिया के बढ़िया प्रोसेसिंग प्लांट डालकर इस सब्जी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर हमारे किसानों को अच्छी दाम मिले, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। साथियों, हमने कोविड के समय देखा है, कोविड की महामारी के समय जब संपूर्ण विश्व के अंदर कोविड की महामारी आई थी, हमारे नौजवान जो शहर में रोजगार करते थे, नौकरी करते थे, 20,000-25,000 की नौकरी करते थे, 2 साल कोविड के कारण उनको रोजगार नहीं मिला तो वह गांव शहर से गांव की ओर गए
और इसी किसान भाइयों ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को दो रोटी का इंतजाम किया। हमारी ताकत किसान है, हमारी ताकत खेत कल्याण में काम करने वाला मजदूर है, जिसके कारण कोई भी गंभीर आपदा आएगी, कोई भी गंभीर चुनौती आएगी, हमारी रक्षा कवच के रूप में हमारा किसान हमारी सेवा करने का काम करेगा। और यह हमने कोविड के समय देखा है। मुझे आज, मैं कई नौजवानों को जानता हूं जो शहरों में नौकरी करते थे देश के अलग अलग हिस्सों में, मैंने पूछा कि 2 साल आपने खर्चा कैसे चलाया, उन्होंने कहा जैसे मैं पता चला कि हमारी 2 दुकान शोरूम या प्राइवेट शॉप में जहां भी नौकरी करते थे, अब हमें सेट पैसा देने वाला नहीं है, तो हम परिवार को लेकर गांव चले गए और गांव के अंदर हम 2 साल रहे, लेकिन हमें रोटी का इंतजाम करने की कोई कमी नहीं आई। और इसीलिए उस दिन से मेरे मन में आया कि अगर देश की रक्षा करने का काम, आपदा और संकट के समय किसी भी चुनौती से लड़ने का काम करेगा, तो देश का किसान करेगा। और इसी किसान को हम किस तरीके से मजबूत बना सके, हर किसान उसकी आमदनी को दुगनी आमदनी करने के लक्ष्य से कैसे काम कर सके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने सबसे पहले बूंदी जिले को तय किया, और बूंदी जिले के अंदर जो देश के सबसे अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे पारंपरिक खेती के मामले में हो, चाहे सब्जी के मामले में हो, चाहे फूल के मामले में हो, मैं गांव के अंदर तालेड़ा के पास एक गांव में गया तो उस गांव के अंदर गुलाब ही गुलाब बिछा रखे। मैंने कहा ये गुलाब इतने क्यों लेकर आए, कि ये गुलाब तो हमारे गांव में पैदा होते हैं, आने वाले समय के अंदर हम यहां पर बेहतरीन फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं, और फूलों से को प्रोसेसिंग कर उस गुलाब जल को, अन्य चीजों को किस तरीके से वैल्यू एडिशन बनाकर उसकी आमदनी बढ़ाकर कर सकते हैं, ये काम भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे याद है जितना किसान जमीन वाला है उससे ज्यादा हमारा खेत पे काम करने वाला मजदूर भी है। और इसीलिए खेत कल्याण की जब बात करते हैं तो किसान मजदूर की बात करते हैं, और किसान मजदूर दोनों मिलकर अपनी आमदनी को बढ़ाए इस दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों की चिंता की है, और इसीलिए देश के किसानों को कुछ हर साल 6,000 रुपया कम से कम उस किसान छोटे मजदूर तक पहुंचे, गांव में रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, गैस मिले, हर घर पर पानी मिले, निःशुल्क अन्न योजना के तहत अन्न मिले, ये सारे काम तो हमें करना पड़ रहा है। ये काम देश के प्रधानमंत्री सोच सकते हैं, जिसने जिंदगी में गरीबी को देखा है, गरीबी के दर्द को, पीड़ा को समझा है, और इसीलिए उनके सामने जब योजनाएं बनती है तो देश का सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकता हूं, ये उनकी योजना का प्रमुख हिस्सा होता है। और इसीलिए यहां गांव के अंदर बैठी महिलाएं भी बैठी, हम इन महिलाओं को किस तरीके से यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इन महिलाओं को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बैंक के अधिकारियों को कहा है। मैंने बैंक के अधिकारियों को कहा है कि फुटपाथ पे करने वाला मजदूर, जिसको हम 10,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दे सकते हैं, हमारी कोशिश होना चाहिए कि सबसे पहले अंतिम फुटपाथ पे बैठे व्यक्ति को हम किस तरीके से रोजगार देने का काम करें। गांव में जो हमारे प्रारंभिक जो परंपरागत उद्योग थे, किसी जमाने के अंदर गांव की खानी के अंदर तेल निकलता था जो गांव में उपयोग आता था,
गांव में जूते बनाने का काम करने वाला काम करता था, उसके जूते वहां काम आते थे। वहां पर कुमार हमारे मटका बनाने का अन्य काम करते, उसके वहां काम आते। ऐसे सारे छोटे छोटे उद्योगों को हम गांव में कैसे पनपा सकते हैं? और इसीलिए अगर भारत को आत्मनिर्भर मजबूत भारत बनाना होगा तो सबसे पहले देश के अंदर रहने वाला नौजवान को गांव में उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योग लगे, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना में खादी ग्राम उद्योग से अन्य योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है और उसके अंदर 30% सब्सिडी होती है, ताकि गांव के अंदर वो नौजवान उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बना सके। किसान भाइयों, आज बड़ी संख्या में आप आए हो, आपकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। जो यहां पर किसान भाई आए, कई किसान भाइयों को लोन नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, हर किसान जो पशुपालन पालना चाहता है, पशुपालन का काम करना चाहता है, एक एक पशुपालक को हम 1,60,000 का किसान क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और इसलिए हर गांव के अंदर फिर से हम कैंप लगाएंगे, जहां वेटरनरी का पशुपालक डॉक्टर होगा, बैंक के कर्मचारी होंगे, पटवारी होंगे, ग्राम सेवक होंगे, ये सब मिलकर फिर चिन्हित कर एक एक व्यक्ति को हम पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे। पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जिन किसानों की जमीन है उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, उन सबको भी किसान क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे, ताकि हर व्यक्ति को ऋण मिल सके और उस ऋण का उपयोग वो अपने कृषि कार्य में कर करके आत्मनिर्भर बना सके। इसके लिए ऋण एक सहयोगी के रूप में काम कर पाए। इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर हम मेडिकल कैंप लगाकर उस पंचायत के अंदर जो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये बूंदी जिला वो जिला है जहां के जिला कलेक्टर ने कहा है हर गांव स्वस्थ हर व्यक्ति स्वस्थ। और इस अभियान के अंदर आने वाले समय के अंदर सामाजिक प्रकल्पों से केंद्र सरकार से राज्य सरकार से मिलकर हर गांव के अंदर हम मेडिकल कैंप लगाएंगे और उस मेडिकल कैंप में जो गंभीर बीमारी होगी, जिस बीमारी को उस किसान मजदूर को पता नहीं होगा, उसको वहां पर जांच करने के बाद उसका इलाज कोटा होता हो तो कोटा कराएंगे, जयपुर होता हो तो जयपुर कराएंगे, दिल्ली होगा तो दिल्ली कराएंगे, कहीं चेन्नई होगा चेन्नई कराएंगे, लेकिन मेरे लोकसभा का रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे लोकसभा में रहने वाला वो वयोवृद्ध व्यक्ति जिसको छड़ी की आवश्यकता है, जिसको व्हीलचेयर की आवश्यकता है, जिसको चश्मे की आवश्यकता है, जिसके दांत नहीं दांत की बत्ती से आवश्यक है, आने वाले समय के अंदर 6 महीने के अंदर हर गांव के अंदर कैंप लगाकर हम उस गांव के वाले वयोवृद्ध व्यक्ति को जिसको चश्मे की आवश्यकता होगी चश्मा, जिसको दांत की आवश्यकता होगी दांत, जिसको बेल्ट की आवश्यकता बेल्ट, ये सब चीजें करेंगे। और इसी तरीके से जिसके कोई के पैरों में चलने में दिक्कत है उसको 80% से ऊपर होने के बाद उसको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, साइकिल दिलाएंगे, व्हील चेयर दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हर व्यक्ति आत्मविश्वास दिए और उन सभी व्यक्तियों को जो वयोवृद्ध हैं या जो अपना काम करना चाहते हैं उन सब व्यक्तियों को बैंक से ऋण दिलाकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। हमारा सोच एक ही है कि किस तरीके से हर व्यक्ति को रोजगार मिले, गांव में रोजगार मिले, गांव में अपनी मेहनत से खुद का रोजगार खोल सके और किसी 4 आदमियों को और रोजगार दे सके,
जब तक गांव में लघु कुटीर उद्योग, किसान की परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती, पशुपालन उद्योग, अन्य सब उद्योगों को मिलकर सामूहिक योजना नहीं बनेगी, जब तक हमारा देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। मेरी कोशिश है समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, उन सबके साथ हम खड़े रहें, उसके सहयोग के लिए हम खड़े रहें और उसके जीवन में जो अभाव हैं उन अभावों को हम सरकार से, सामाजिक लोगों से मिलकर किस तरीके से अभाव को दूर कर सके। इसलिए हमारा लक्ष्य आने वाले समय में हर गांव स्वस्थ हो और हमारे गांव में पढ़ने वाले बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारित मिले। और इसीलिए मैंने कहा है कोटा बूंदी जिले के अंदर रहने वाले हर बच्चे को पहली बार 200 बच्चों को निःशुल्क IAS की कोचिंग कराएंगे। आने वाले समय के अंदर जो बच्चा और पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उन बच्चों को भी अच्छी निःशुल्क शिक्षा कराकर उसको एक देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व करने वाला नौजवान बनाएंगे। हम चाहते हैं एक शिक्षित पढ़ी लिखी पीढ़ी बने। जब शिक्षित पढ़ी लिखी पीढ़ी होगी तो देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगी। और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि एक शिक्षित, एक स्वस्थ समाज बनाए, एक आत्मनिर्भर समाज बनाए। और इसके लिए हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे तो इस काम को पूरा कर पाएंगे और जो सपने हमने देखे उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन साथियों, हमें आज इन योजनाओं को समझकर जाना है, आगे इन योजनाओं का लाभ लेना है और जिन लोगों को तकलीफ होगी हम आपके पास खुद पहुंचेंगे, हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा और एक एक को चुनकर सबको इस योजनाओं का लाभ मिले इसकी चिंता करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।